Hello, good morning class. This is your EBS class and as you know we are doing chapter 2 and in chapter 2 we have done completed our reading, we have done question answer and today we are going to do our true and false. True and false mein kya hota hai? There is statement is given and we have to read the statement and we have to tell according to a chapter the statement is true or statement is false. Means true means होता है सही है statement या फिर false means या statement गलत है. So today we are going to do true and false based on chapter 2 going places. So just start with me. We will read the statement first. Then we will decide the statement is true or false. So just start with me. And our today's topic is true false. So first we will read question. Our question is read the statement and write true oblique false. Statement को आपको पढ़ना है उसी के according आपको true या false वहां पर write down करना है. So first we will read first statement. Number one is there are फोर means of transport. जैसे कि हमने अपने चैप्टर में क्या पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं. सो द स्टेटमेंट इज दिस कि क्या चार तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं. इज द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. यस द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि हमने क्या पढ़ा है देयर आर थ्री means ऑफ ट्रांसपोर्ट. थ्री टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं. कौन कौन से हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. एंड हियर द स्टेटमेंट इज सेइंग फोर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो स्टेटमेंट क्या है हमारी रॉन्ग है क्योंकि हमारे थ्री मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. सो वी आर राइटिंग हियर फॉल्स. नाउ नंबर टू इज रॉकेट इज एन एयर ट्रांसपोर्ट. मीन्स जो रॉकेट होता है वो क्या होता है एयर ट्रांसपोर्ट होता है. यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि हमने जो हमने एयर ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था कि एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर एंड स्पेस शटल दीज आर द एयर ट्रांसपोर्ट. तो हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो वी विल राइट हियर ट्रू. Now next, now number three, Peter. We use bus to go nearby city. देखिए अगर आपको किसी nearby city यानी कि पास की city में जाना हो तो do you use bus? तो क्या आप वहां पर जाने के लिए bus का use करेंगे? Yes, the statement can be true. आपकी statement true हो सकती है कि अगर आपको किसी city में जाना है मीन दूसरे शहर में जाना है तो you can also use a bus to go नियर बाय सिटी और फार सिटी भी के लिए भी आप बस का यूज वहां पर कर सकते हो. तो द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो वी राइट हियर ट्रू. ओके नाउ नंबर फोर आ सबमरीन सेल्स ऑन वॉटर. देखिए सबमरीन आपको पता है कि सबमरीन क्या है वॉटर ट्रांसपोर्ट है. एंड हेयर द स्टेटमेंट इज सेइंग कि इट सेल्स ऑन वॉटर. सबमरीन पानी के ऊपर चलती है. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज वी रेड सबमरीन सेल्स अंडर वॉटर. पानी के अंदर होती है. सबमरीन सिर्फ एक ऐसा वॉटर ट्रांसपोर्ट है जो पानी के अंदर रहता है और बाकी के सारे तो ऑन द वॉटर करते हैं बट जो सबमरीन है वो अंडर वॉटर होती है. द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है ऑन वॉटर जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था अंडर वॉटर. दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो वी विल राइट हियर फॉल्स. मीन्स अगर देखिए स्टेटमेंट ठीक नहीं है तभी हम उसको क्या लिख रहे हैं फॉल्स लिखेंगे. सो आई एम राइटिंग हियर फॉल्स. एफ ए एल एस सी फॉल्स. फॉल्स मीन्स गलत. नाउ नेक्स्ट A rickshaw runs through manpower.
देखिए रिक्शा हमने पढ़ाई के वाटर सॉरी लैंड ट्रांसपोर्ट का रिक्शा हमारा, और रिक्शा के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि रिक्शा जो है मैन पावर से चलता है, मीन्स मैन उसको चलाता है. द स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि रिक्शा जो है वो मैन उसको खींचता है अपने पावर से तब वो चलता है. सो वी विल राइट हियर ट्रू. देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट हियर मैनुअल रिक्शा, जो वैसे रिक्शा होते हैं जिनको खुद से पैर से चलाना पड़ता है. आजकल क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी आ गए हैं, तो उसमें तो मैन पावर की जरूरत नहीं होती है. बट जो नॉर्मल रिक्शा होते हैं जिनमें मोटर वगैरह नहीं होती है, वो मैन पावर से ही चलते हैं. विदाउट मैन पावर दे विल नॉट वर्क. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर सिक्स देखिए बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमने थ्री तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, उनमें से आपसे पूछा है कि लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है. इज द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनमें से सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है हमारा, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत लेस टाइम लेता है, बहुत जल्दी पहुंचा देता है आपको, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट. और वो सबसे फास्टेस्ट भी है, तो जल्दी पहुंचा रहा है आपको, दैट मीन्स इट इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो हियर द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर फॉल्स. ओके नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, शिप्स आर ऑल्सो यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स. देखिए जो हमारी शिप्स होती हैं, ठीक है, वो उनमें भी क्या हम हैवी लोड्स यानी कि सामान लेके जा सकते हैं? सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है. जो शिप्स हैं वो भी सामान, हैवी जो सामान होता है, गुड्स होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं. एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं बाय द सी, समुद्र के द्वारा जाते हैं वो शिप्स जो है. और बड़ी बड़ी जो बोट्स होती हैं वो शिप्स होती हैं. और जो भी शिप हैवी लोड ले जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्गो शिप कहते हैं. ठीक है, वो डिफरेंट टाइप की शिप होती है, मतलब उसका नेम अलग होता है, एंड दैट इज कार्गो शिप. सो हियर शिप्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी हैवी लोड्स. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके सो वी आर राइट हियर ट्रू. ओके बेटा नाउ नेक्स्ट नंबर देखिए आप, नंबर एट में क्या देखिए, ट्रेन इज द फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट. सो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है, तो द स्टेटमेंट इज सेइंग जो ट्रेन है वो लैंड पर चलने वाला सबसे फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट है. यस द स्टेटमेंट इज ट्रू. जितने भी लैंड ट्रांसपोर्ट है उनमें से सबसे फास्ट चलती है हमारी ट्रेन. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट. Now next, air transport is the costless transport. देखिए जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे कॉस्टली ट्रांसपोर्ट है. यस द स्टेटमेंट इज ट्रू. क्योंकि देखिए एक तो वो हमें बहुत जल्दी पहुंचा देता है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट है इसलिए वो सबसे कॉस्टली भी है. इट टेक्स लेस टाइम, सबसे कम टाइम लेता है ये, और आपको बहुत जल्दी पहुंचा देता है, दैट वाई इट इज वेरी कॉस्टली. सबसे कॉस्टली है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट, अ बाइसिकल हैव थ्री व्हील्स. बाइसिकल आप सभी जानते हो, साइकिल होती है जो, बाइसिकल में थ्री व्हील्स होते हैं? नो, बाइसिकल हैव टू व्हील्स. बाइसिकल के कितने व्हील्स होते हैं? टू व्हील्स होते हैं. सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वी विल राइट हियर फॉल्स. देखो बेटा जो बड़ों की जो बाइसिकल होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. आजकल छोटे बच्चों की जो बाइसिकल आती है उसमें तो थ्री फोर पता नहीं कितने व्हील्स होते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर बिग बाइसिकल्स. सो नेक्स्ट इज, ट्रेन्स अराइव
एंड लीव फ्रॉम एयरपोर्ट. जो ट्रेन है वो आपकी, आप कहाँ से उसको लेते हो, एयरपोर्ट से लेते हो आप ट्रेन को, मतलब ट्रेन आपको एयरपोर्ट पे छोड़ती है और वहीं से आपको लेती है. नो, द ट्रेन अराइव्स एंड लीव फ्रॉम रेलवे स्टेशन. और एयरपोर्ट पे कौन आता है, एयरपोर्ट पे आता है एरोप्लेन, जो भी एयर ट्रांसपोर्ट है वो आते हैं एयरपोर्ट पे. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी विल राइट हियर फॉल्स. नाउ नेक्स्ट, स्कूटर कार्स एंड बसेस नीड्स पेट्रोल एंड डीजल टू मूव. जो आपकी स्कूटर होता है, कार्स होती है, बसेस होती है, उनको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है. यस, दे रन यूजिंग पेट्रोल और डीजल, उसके बिना वो चलते ही नहीं है. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इज यू यूज वाटर ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल. मीन्स आपको स्कूल जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है. मीन्स आप वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए. नो, आप तो लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. एफ ए एल एस सी फॉल्स. देखो बेटा, जो अगर कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहां पर रिवर वगैरह कुछ ऐसा है, तो मे बी दे यूज वाटर ट्रांसपोर्ट, बट वी आर नॉट यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट हियर. सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो वी आर राइटिंग हियर फॉल्स. सो वी हैव डन अ ट्रू एंड फॉल्स सेक्शन एंड यू हैव टू राइट डाउन इन नोटबुक. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास, बाय एवरीवन.